प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हर घर पाठशाला में। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। नेस्ट डीप हमने लास्ट लेक्चर में किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं चार्ट। व्हाट इज चार्ट? चार्ट क्या होते हैं? चार्ट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, तो चार्ट जो होती है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, मतलब एक चित्रों के द्वारा प्रेजेंटेशन, मतलब प्रस्तुत करना ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो भी न्यूमेरिकल डाटा होता है, जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको चित्रों के द्वारा जो प्रस्तुत करते हैं उनको हम चार्ट बोलते हैं। ठीक है, चार्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। चार्ट जो है वो मोटे तौर पर दो टाइप में, मतलब दो भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है। एक होते हैं एम्बेडेड चार्ट और दूसरे होते हैं शीट चार्ट। ठीक है, अब इन चार्ट्स को हम बनाते कैसे हैं, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं फ्रूट्स। ठीक है, और यहाँ पे फ्रूट्स के नाम आ जाएंगे, जैसे मान लो पीच, पियर, वाटर मेलन। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास और ऑरेंज हो गया। ठीक है, एप्पल हो गया। ठीक है, काफी है दिखाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे इनकी प्राइसेस। ठीक है, प्राइसेस जैसे मान लो पीचेस टी है, पियर है 50 है, वाटरमेलन है 15 रुपीज का है पर केजी के हिसाब से, ऑरेंज है 40 है, एप्पल है 150 है। ठीक है, तो ये आगे हमारे, चलिए इनको एक बॉर्डर भी लगा देते हैं। ठीक है, मेन काम जो है वो बाद में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लगा देते हैं इनको बॉर्डर। ठीक है, तो ये आगे हमारे फ्रूट्स और प्राइसेस। ठीक है, अब चार्ट बनाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर। दो मेथड है चार्ट बनाने के लिए। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि इनको सिलेक्ट करो इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जाके ये देखो, ये है चार्ट, तरह तरह के चार्ट है। ये आगे आएगा कि चार्ट कितने तरह के होते हैं, तो मैं आपको सिंपल सा पहले कॉलम चार्ट बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ओके, तो ये देखो हमारा बन गया चार्ट। ठीक है, यहाँ पे आगे हमारे सारे के सारे फ्रूट्स नेम। ठीक है, और यहाँ पे आगे इनके सारे के सारे प्राइजेस। ठीक है, जैसे पीच है तो ये देखो 60 पे, यहाँ पे पीच 60 है, पियर 50 है, देखो पियर 50 पे आ गया, यहाँ पे 50 नहीं आ रहा है। ये जो सीरीज आ रही है वो 20-20 के डिफरेंस में है। वाटरमेलन यहाँ पे आ गया 15 पे। तो इस तरह से जो है हम न्यूमेरिकल डाटा, ये है न्यूमेरिकल डाटा जिसको हम चित्रों के द्वारा यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चार्ट बना सकते हैं। एक तो मेथड ये है, और एक मेथड और बताता हूँ मैं आपको चार्ट बनाने का। ठीक है, हम सीधा सिलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट में जाएंगे हम सीधा कॉलम चार्ट के अंदर, ये इस तरह से क्लिक कर देंगे तो ये खाली सा चार्ट बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और हम करेंगे सिलेक्ट डाटा। ठीक है, सिलेक्ट डाटा के बाद हम जाएंगे लेजेंड एंट्रीज के ऊपर, यानी कि सीरीज सिलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, ये सीरीज, सीरीज में हम इसको लेंगे। ठीक है, ऐड, और यहाँ पे सीरीज का नाम क्या है, प्राइसेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइसेस। ठीक है, और यहाँ पे सीरीज की जो वैल्यूज है, ठीक है, इसको हम कर देंगे डिलीट। यहाँ से हम इस तरह से सीरीज की वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो ये आ गई सीरीज की वैल्यू सारी की सारी। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम ओके। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सीरीज। अब नीचे जो है ये फ्रूट्स के नेम है, तो यहाँ पे करेंगे फिर इस साइड जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस लेबल है, यहाँ पे करेंगे एडिट, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे फ्रूट्स के नेम। ओके, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आ गए फ्रूट्स के नेम। तो दूसरा मेथड ये है चार्ट बनाने का, जिससे आपको अच्छा लगता है आप ऐसे इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो तरह तरह के चार्ट्स रहते हैं, आप चाहें तो चार्ट की जो टाइप है उसको भी आप जैसे मर्जी दिखा सकते हैं। ये देखो जिस मर्जी स्टाइल में दिखा लो, ये तरह तरह के चार्ट हैं। ठीक है, ऐसे दिखाना ऐसे दिखा लो। ठीक है, ये देखो इनको बोलते हैं हम कॉलम चार्ट। ये आते हैं हमारे बार चार्ट होते हैं। ये देखो नाम लिखा रहा है ना, इंसर्ट बार चार्ट, कॉलम चार्ट नाम लिखा रहा है, ये बार चार्ट है। और ये इसको बोलते हैं हम सबके सौर डार चार्ट है। ठीक है, तरह तरह के चार्ट है इसके अंदर। ये लाइन चार्ट है, ये देखो ये क्या करता है कि पूरे के पूरे इस तरह से लाइंस में दिखाता है। ये देखो नीचे आ रहा है ना, साथ साथ में दिखा रहा है कि किस तरह से आएगा ये लाइन चार्ट। ये एरिया चार्ट है,
यहाँ पे एरिया में दिखाएगा इस तरह से, ये देखो है वही चीज है ये देखो, लेकिन चार्ट की जो है टाइप है तरह तरह की, तो वैसे दिखा रहा है, ये स्कैटर चार्ट है बिखरा हुआ, ऐसे दिखाएगा ये देखो, पॉइंट्स में बल्ब्स में दिखाएगा इस तरह से, या ऐसे देखना तो ऐसे दिखाएगा ये, ठीक है, ये तरह तरह के चार्ट्स हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ चार्ट्स, चार्ट्स की जो है मेजर टाइप्स वो कौन कौन सी हैं। तो देखो एरिया चार्ट है, द मेजर टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर एरिया चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, कॉम्बो चार्ट, पिवट चार्ट। तो मैंने आपको सारी टाइप्स जो है वो यहाँ पे बता दी थी, ये पिवट चार्ट है, ठीक है, कॉम्बो चार्ट्स दिए यहाँ पे, ये कॉम्बो चार्ट्स है, ठीक है। तो हम जैसा चाहें उसको वैसे का वैसा इसको हम बना सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है, जैसा चाहें, ये सर्कल चार्ट, ये पाई चार्ट बोलते हैं जिसको, ये देखो तो ऐसे दिखाएगा। तो आई थिंक आपको चार्ट बनाना जो है वो अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब चार्ट के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट डे में इसके जो नोट्स था, जो इसके जो होमवर्क था, मैंने आपको वो भेज दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको भेज दिया, ठीक है। व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ चार्ट, तभी चार्ट के पार्ट हैं, जो चार्ट हमने बनाया ना उसके क्या क्या पार्ट है, ये देखो ये चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया क्या होता है, लेजेंड क्या होता है, लेजेंड एंट्री कहाँ पे होती है, लेजेंड की क्या होती है, वाई एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस कहाँ पे है, ठीक है। चार्ट टाइटल कहाँ पे आता है, वैल्यू एक्सिस टाइटल, डाटा सीरीज लेवल कहाँ पे, डाटा पॉइंट और डाटा लेवल कहाँ पे आती है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चार्ट में। पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ एक सिंपल से चार्ट में, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल से कॉलम चार्ट में बना देता हूँ ताकि आपको मैं सारी चीज़ें दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, तो ये देखो ये वर्टिकल वैल्यू एक्सिस है, ठीक है, ये चार्ट का टाइटल है, ठीक है। ये आ गई सीरीज, ठीक है, प्राइस जो है सीरीज, इनको सीरीज बोलेंगे हम, ठीक है, ये सीरीज, ये बीच का जो एरिया इसको हम प्लॉट एरिया बोलते हैं, जैसे है ना यहाँ पे लिखा हो, ये देखो प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया, लेजेंड, लेजेंड एंट्री, ये देखो ये लेजेंड एंट्री है, देखो आ रहा ना लिखा हुआ लेजेंड एंट्री, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा चार्ट एरिया है। तो ये सारे के सारे जैसे माउस को मूव करेंगे तो ये चार्ट की ये सीरीज जो है वो ये दिखा रहा है, अपनी सीरीज वैल्यूज दिखा रहा है, ये सीरीज की जो भी है, जो भी इसकी लेजेंड एंट्री चार्ट का जो टाइटल है, जैसे हम मूव करेंगे ये प्लॉट एरिया है इसका, ठीक है। तो ये सारे के सारे चार्ट के क्या है पार्ट्स। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता ही है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये ऊपर को वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कल मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद जय हिमाचल।